जाता है। हमारे ग्रामीण इलाकों में बच्चों के पोषण के लिहाज से बहुत अहम केंद्र होते हैं, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 22 दिनों से धरने पर हैं। वे बेहतर मानदेय, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की मांग कर रही हैं। इनके अनुसार दिल्ली में करीब 9000 से 11000 आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल इस धरने के चलते बंद हैं। तो एक तरफ दिल्ली की सरकार जो सरकारी स्कूल हैं उनको बेहतर बना रही है, कल ही 12000 स्मार्ट क्लासरूम समर्पित किए गए हैं और अब इस मामले में भी दिल्ली सरकार ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया है, बावजूद उसके धरना जारी है। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं शिवानी कौल जी, अध्यक्ष हैं दिल्ली राज्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। मेरा सवाल आपसे यही कि शायद दिल्ली सरकार ने आपको मिलने के लिए बुलाया, मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए बुलाया, लेकिन फिर भी आप लोग धरने पर हैं, क्या हुआ इस मुलाकात में, क्या आपकी मांगों पर कुछ आश्वासन मिला आपको? सबसे पहले तो निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एनडीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी यूनियन को, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन को आपने ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपना पक्ष रख सके। ये बात सच है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वार्ता के लिए इनवाइट हमें किया था। हमारी 11 फरवरी को खबरदार रैली हुई थी जो काफी बड़ी रैली थी, 15000 से भी ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मी उस रैली में शामिल थे और उस रैली के दबाव में आके सरकार ने एक जो है वार्ता का न्योता भेजा, लेकिन वो एक हाफ हार्टेड अप्रोच था। क्यों हमने इस वार्ता का बायकॉट किया इसका कारण जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सरकार तो रिस्पॉन्ड कर रही है तो यूनियन क्यों नहीं वार्ता में गई। पहली बात यह है कि सरकार जो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन है आंगनवाड़ी वर्कर्स की दिल्ली में, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, सरकार लंबे समय से उससे वार्ता करने से भागती रही है। ये आज की बात नहीं है, 2017 में भी ऐसा हुआ था जब हमारी हड़ताल चली थी, 58 दिन हड़ताल चली थी और सरकार ने हमारी यूनियन से वार्ता नहीं की थी। इस बार भी सरकार ने एक ऐसी यूनियन को हमारे अलावा वार्ता में इन्वाइट किया जिसका आंगनवाड़ी के स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोई लेना देना है तो वो इस तरीके से कि वो यूनियन जो C2 से अफिलिएटेड एक यूनियन है वो स्ट्राइक को साबोटाज कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जहां पर इस यूनियन से जुड़े हुए जो तमाम नेता हैं वो वर्कर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं कि आप स्ट्राइक में शामिल नहीं होंगे। सरकार कैसे एक्सपेक्ट करती है एक जो स्ट्राइक चला रही है यूनियन और जो पिछले 22 दिनों से, आप जानते हैं कि किसी भी जगह पर हिंदुस्तान में वैसे भी और दिल्ली में भी इतने बड़े पैमाने पे औरतों को एकजुट करना, उनको स्ट्राइक में आने के लिए उत्साहित करना लगातार, ये एक बहुत बड़ा काम होता है, एक चैलेंजिंग काम होता है, लेकिन सरकार लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन से बात ना करके जो एक डेमोक्रेटिक जनवादी प्रक्रिया का हिस्सा है वो ऐसी यूनियंस को शामिल कर रही है जिनका स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है। प्रिसाइसली इसीलिए सरकार पर आरोप लगा सकती है। शिवानी जी हमारे दर्शकों को बताइए आपकी मांगे क्या हैं, क्या परेशानियां हैं, क्यों इतनी बड़ी तादाद में इतने दिनों से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुश्किल में है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में जो आंगनवाड़ी कर्मियों का काम है वो वैसे तो अर्ली चाइल्ड केयर जो प्री फॉर्मल एजुकेशन होता है उसका काम होता है और जो मदर केयर है नर्सिंग मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स, उनके ख्याल रखने का काम है। 1975 से ये स्कीम चालू है, 1975 से लेकर अब तक आंगनवाड़ी की वर्कर्स और हेल्पर्स को तमाम सरकारों ने, और इसमें कोई भी पार्टी इसके ब्लेम से नहीं बच सकती है, तमाम पार्टियों की सरकारों ने आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनको उनकी वल्नरेबल जो स्थिति है, बहुत ही आरक्षित किस्म की स्थिति है, उसका फायदा उठाते हुए उनको इस काम में लगाया और उनके काम को कभी काम के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको बोला कि ये वॉलंटरी वर्क है, ये स्वेच्छा से किया जाने वाला काम है, ये वो काम है जो आप अपनी मर्जी से करते हो, आपको इसके लिए इसीलिए हम सैलरी नहीं देंगे, मानदेय देंगे। तो सबसे पहली मांग जो हम लोग अपनी हड़ताल में उठा रहे हैं वो ये है कि तात्कालिक तौर पे जो दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनका ऑनरेरियम जो मानदेय मिलता है उसको 25,000 रुपए किया जाए और जो हेल्पर्स है उनके मानदेय को 20,000 रुपए किया जाए। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने 2018 अक्टूबर में मानदेय बढ़ोतरी की एक घोषणा की थी,
1500 और 750 रुपए की, जो आज की डेट तक हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में वो पैसा रिलीज नहीं हुआ है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये हमारी दूसरी डिमांड है। जाहिर तौर पे एक मुख्य डिमांड जी शिवानी जी, आगे की रणनीति आपकी क्या है संक्षेप में? अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, बताइए आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हम लोग अभी से ही अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी को इनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप समय रहते आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों का संज्ञान लें। हम लोग इस वक्त पूरे दिल्ली में नाक में दम करो अभियान अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ चला रहे हैं, और हमारी बहनें आंगनवाड़ी कर्मियों के परिवार, और ना सिर्फ इनके परिवार बल्कि इनके इलाके के लोगों के बीच भी हम इस बात को व्यापक तौर पर लेके जा रहे हैं कि ये सरकार जो आज आंगनवाड़ी कर्मियों की अनदेखी कर रही है, वो आपके साथ भी वायदा खिलाफी कर रही है। चाहे बिजली पानी का मसला हो, स्कूल्स का मसला हो, मोहल्ला क्लिनिक्स का मसला हो। हड़ताल कब तक चलेगी थोड़ा ये बताइए, क्योंकि बच्चों का भी बहुत खामियाजा हो रहा होगा, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल वगैरह खुले हैं। अब छोटे बच्चे जो थोड़ा बहुत बाहर निकलेंगे, जब टीका उनको मिलता है, कुछ पोषण मिलता है, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा होगा, है ना? जैसे डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं तो लोग पहले उन पर सवाल उठाते हैं, तो आप लोग हड़ताल पर जाएंगे, बहुत अहम काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है, लेकिन फिर ये सवाल भी उठेंगे, तो कब तक चलेंगे आप लोग संक्षेप में? ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार, जो हमारी यूनियन है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, उससे वार्ता करें। आज ही वो वार्ता हमसे करते हैं, बायलेटरल वार्ता करें, हमारी यूनियन को बुलाएं, वार्ता करें, समझौता होगा, हम कल ही काम पे चले जाएंगे। हमें पता है आंगनवाड़ी कर्मियों का काम कितना क्रूशियल है, लेकिन आज अगर दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली की माओं को तकलीफ हो रही है, इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट का घमंड, उनका अड़ियल रवैया जिम्मेदार है, जो यूनियन से बात नहीं कर रही है। अगर हमें आज ही सरकार कहे कि आप आए बात करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बायलेटरल टॉक्स रखो, हमारी यूनियन और सरकार के बीच में वार्ता हो जी, मसले का समाधान और स्ट्राइक समाप्त हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने शिवानी कही है कि सीधे आप लोगों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए, किसी और संगठन को लाकर, और उसमें जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि उसमें साजिश उनको लगती है कि इस पूरे धरने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि राजनीति होती है, लेकिन इस तरह ये बहुत अहम है कि इनको इनका हक जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।